रेडी वेडी हो गए, हेमांग कड़का हो गया, सुबह सुबह उसका खर्चा हो गया, रिजवान भाई ने बहुत अच्छे से सर्विस दिया, मज़ा आ गया रिजवान भाई। रिजवान भाई किधर गए? नीचे गए। शाइन भाई ने बहुत अच्छे से दिया और चाय कल रात की बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सर। तो अभी निकलते हैं, बैग लोड करना बाकी है तो अभी उसे लोड करना है। 8 बजे निकलना था, 5-10 मिनट रह गया है, अब वो करेंगे फटाफट। विनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। हाँ, विनी इज देयर ऑलरेडी, कर रही है अपना काम। अब सीन ये है कि हमारे साथ दो और बाइक है, अमित की, हेमांग की। हमें मिले थे ये, और लाइट यहाँ से हमें मिले थे वो लोग श्रीनगर से, बहुत अच्छे लोग हैं, ज्वाइन किया है, देखते हैं ले तक, फिर आगे का पता नहीं साथ में कैसे जाएंगे, बट फिलहाल तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। शी इज़ रेडी, आई एम रेडी, लेट्स मूव। कारगिल की सुबह बहुत ब्यूटीफुल है, माउंटेन दिख रहे। तो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये हम कारगिल से निकल गए हैं। एक साइड हमारे रिवर है और माउंटेन है। अब यहाँ से हम, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ले। फाइनली इन ले, इतने दिनों के बाद जिस चीज के लिए निकले थे, जिस जगह के लिए निकले थे, जिस सफर के लिए निकले थे, डेस्टिनेशन। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। आपने अगर हैरी पॉटर देखा है तो उसमें अगर पता है लास्ट में वोल्डेमॉर्ट ऐसे बोलता है आक्रमण, वैसे मेरा हाल है। फाइनली ले, एकदम स्मूथली एक्साइटिंगली पहुंचना है हमें ले। आई एम वेरी हैप्पी टू री गो फॉर अ ले। शहर से बाहर निकलना है, पेट्रोल भरवाना है, अब बस ले की तरफ जाना है। ले 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 चल मुझे इन राहों में। कॉन्फिडेंटली मैं आगे तो आ गया हूँ, बट रास्ता के लिए मैप सेट किया नहीं है। एनीवेज, मैं और विनी अभी बात कर रहे थे कि लाइक ये सच है कि हम इस पहाड़ों के बीच से बाइक लेके हमारी जिंदगी के साथ इन लम्हों को जोड़ रहे हैं। क्या ये सच है या सपना है? सोते हैं, उठते हैं और फिर इन पहाड़ों पे निकल पड़ते हैं, ये सच है कि सपना है? समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जो भी है बहुत खूबसूरत है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुका है। ये लम्हे, ये सपने, ये हकीकत, ये झूठ, ये ठंड, ये गर्मी, ये रास्ते, जो भी है बस हम हैं और कुछ नहीं है, और कुछ चाहिए भी नहीं। माँ बाप का प्यार है, बीवी का प्यार है, ये रास्ते हैं, ये पहाड़ है और ये समा है। जिंदगी बस ऐसे ही कट जाए और कुछ नहीं चाहिए। सच्ची में ये हेवन लग रहा है, हेवन। मुझे तो अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये सपना है कि सच है। आँख खुल गई और ये टूट गया तो, बट फिर यकीन करवा लेता हूँ दिल को कि ये सपना नहीं, सच है। हाँ, ये सच है। हमारे पास फाइनली फोटोशूट कर लिया है हम लोग ने पीछे, एंड लुक एट दिस माउंटेन। और ठंड बढ़ चुकी है, मैं जब कारगिल से निकला था तो मैंने विंटर लाइनर नहीं पहना हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेरी बीवी ने मुझे प्यार से कह दिया कि पहनना तो पड़ेगा। और बीवी की बात को टालना मतलब बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, एक बार आप पुलिस और कानून से बच सकते हो लेकिन बीवी से नहीं। तो हमने पहन लिया है विंटर लाइनर और अब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कभी कभी लगता है ना कि बीवी की बात सुन लेनी चाहिए, वो आपकी भलाई के लिए ही कहती है। हाँ, ठंड तो बढ़ चुकी है, कोल्ड डेजर्ट में एंटर कर चुके हैं, प्रॉपरली कोल्ड डेजर्ट है। और यार क्या नज़ारे हैं, ओहो, एकदम दिल खुश करने वाले नज़ारे हैं। राइट साइड में हमारे पूरे माउंटेन्स हैं, जहाँ से नज़ारे ऐसे हो गए हैं कि क्या कहे, कैसे नज़ारे हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से निकल जाना है ऐसे बाइक। वाह, हमें एक रियलाइजेशन हो चुका है, पहाड़ों पे सर्वाइव करना इट्स नॉट इजी। हैट्स ऑफ टू द पीपल हु स्टे हियर, हु सर्वाइव हियर। अब यहाँ से देखो नज़ारा, वाह। सो 25 लोगों के साथ यहाँ पे हाथ मिलाने में जो मजा आती है ना, ऐसे हाय हाय एक अलग ही फीलिंग होती है। हाँ, और बच्चे भी ऐसे शाणी हो गए ना, जैसे बाइकर देते हैं ना, ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते हैं, तो बहुत अलग सी फीलिंग आती है, एकदम प्यार सा लगता है। और सामने देखो माउंटेन और बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स, स्नोफॉल हुआ है आगे, और खारदुंगला में स्नोफॉल हो रहा है, बहुत स्नोफॉल हो रहा है।
सो लेट्स सी हाउ इज इट वी फेस. बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, रास्ते भी बढ़िया है, माउंटेन्स भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है. और हम लोग ने पीछे एंट्री वेंट्री करवा ली है, तो हो गई एंट्री वेंट्री, अब चलते आगे. लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यूज, बहुत प्यारा नज़ारा है और देखने में भी मज़ा आ रहा है. विनी ने कहा है शूट करो तो शूट करो बॉस. बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा. अप्रतिम, विनी की भाषा में क्या बोलते हैं, अग भाई कितनी सुंदर, कितनी सुंदर. ठीक है चलो, बज रहे हैं 10:52 और कहाँ पे रुके पता नहीं. चाय मैगी हो गई है लेकिन मैगी से पेट नहीं भरा, तो हम लोग ने थोड़ी बिस्किट मंगा लिया. ठंड है, ठंड थोड़ी सी चल रही है, बट लाइनर वाइनर पहन लिया, इसको तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है, तो इसका तो अलग ही सिस्टम है. अपने को ठंड मज़ा आती है. और क्या कहे, देख लो बाइक वाइक खड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. थोड़ा सा अभी खाना जाएगा पेट में, एनर्जी आएगी, फिर आपसे बात कर पाएंगे. कल पागल हो गया था, आज पागल नहीं हूँ. कल मैं लिटरली पागल हो गया था, व्लॉग के अंदर लिटरली पागल हो गया था. हमारे साथ अमित भाई है, इनका खुद का चैनल है अमित राइडर. हिमांग है, इसका चैनल नहीं है, इसका वीडियो खुद के लिए बनाता है, घर जाता है, बीवी को दिखाता है और फिर बोलता है मैं इधर घूम के आया. नॉट ऑलवेज गोवा गोवा, नॉट ऑलवेज, ओनली सच बाइक राइड्स, अदरवाइज बीवी बच्चों के साथ घूमता हूं. घूमता है लेकिन बाइक राइड तो चलाता है तू, इसलिए शूट करता है. मेरे को समझ में नहीं रहा, यूट्यूब चैनल है नहीं तेरा, शूट करके बीवी को दिखा के तू चलाता है. कुछ भी बोल तू, हल्का सा तो तेरे को मजा आता है, हल्का सा बीवी ऐसे जलती है तो मजा आता है. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. अमित भाई बीवी को लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, अभी तो बेबी उनकी है छोटी सी इसलिए नहीं लेके आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर. ट्रिपल सीट, ट्रिपल सीट, ट्रिपल सीट, ट्रिपल सीट तो कंपलसरी. बुलेट पे वो साइड कार लगा के ड्राइवर वाला, हां वैसे कुछ एडजस्ट होता है तो कंपलसरी. कंपलसरी बारिश तो यहां पे ड्रिजलिंग हल्की हल्की हो ही रही है, और पता नहीं कैसी ड्रिजल हो रही है. खारदुंगला में देखा -3 है बॉस, एक्साइटेड फॉर गो. बिस्किट खा लेता हूँ फिर बाद में मिलता हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए. सो आज हमें मिली है एक छोटी सी राइडर निहाल शर्मा, शर्मा रही है ना, निहाल शर्मा, शर्मा रही है. चलो बड़ी होके इसे भी रॉयल इनफील्ड पर टूर्स करने हैं, बेस्ट ऑफ लक. आगे जाके हम बूढ़े होंगे, आप जवान होंगे, रास्तों पे कहीं मिलेंगे. राइडर का एक कहावत है पता है आपको, मिलेंगे फिर रास्तों पर ही, है ना. चलो बाय बाय, सी यू सून. चलो सो बारिश रुक चुकी है, ड्रिजलिंग नहीं हो रही है ना अभी, ड्रिजलिंग विजलिंग कुछ नहीं हो रहा है. बट आप हाल देखो हमारी बाइक के, गीली हो चुकी है बाइक. ओह गॉड, अब ठंड से फटने वाली है, तो बस निकल पड़ते हैं यहाँ से अभी फटाफट. सो लामायूरी में आ गए हैं और फोटोशूट और सब हो गया है. देखो तीन खूबसूरत बाइक, कितनी मस्त लगती है, और पीछे मूनलैंड वाला व्यू है. हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे से फोटोशूट्स कर रहे हैं, बहुत सारे फोटोज लिख के, अगर देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, अमित का भी डाल दूंगा. बंदे को फॉलो करो इंस्टा पे, आपको सब थैंक यू फोटो देखने मिलेंगे. थैंक यू, और अमित का भी लिंक डाल दूंगा. भाई है इंस्टा पे? नहीं, कहीं नहीं है, ये इस दुनिया में है वही बड़ी बात है. ये कहीं सोशल मीडिया में नहीं है, सबसे बेस्ट बंदा है, सोशल मीडिया यूज भी नहीं करना चाहिए ज्यादा. और विनी ने तो आज मॉडलिंग का लिमिट क्रॉस कर दिया, सो दैट्स इट. चलो मेरी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है. हाँ आज इसने फोटोग्राफी बहुत अच्छी की है, उनको भी मिले. हाँ उस मार्क्स ज्यादा ही मिले वहाँ, ऐसा ऐसा नहीं है ना लड़की देख के, मतलब वो बोलते हैं ना लड़कियों को प्रिविलेज के लिए फायदा देते हैं. रिजर्वेशन कोटा नहीं, रिजर्वेशन कोटा नहीं है ना इधर. लड़की को बुरा ना लगे कि चलो दे देते पॉइंट्स, ऐसा कुछ नहीं भाई. देखते हैं हम वो फोटो अपलोड करेंगे और आप खुद नीचे कमेंट करके बताना. और वीडियो और अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हाँ तो ये जस्ट व्यू देख लो एक बार लामायूरी का, दैट्स इट. अब निकलते हैं, पता नहीं कहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेट्स गो. सो जैसे कहा था कि खलसी के अंदर एंटीजन रिपोर्ट और आरटीपीसीआर वापस चेक करेंगे, तो
ये वही लाइन है और हम लोग ने करवा लिया है एंड सक्सेसफुली पास। तो अभी हम लोग ले जा रहे हैं। हो गया तुम लोग का? यो ब्रो लोग रेडी हो गए? हो गया सबका, सबका हो गया। ये तो सुपर है, ये तो सुपर लड़की है। तो हो गया, शांति से हो गया ना? शांतिपूर्वक झाला आपला सगळा काम, एकदम गणपती बाप्पा बोल गया। चला आता पुढे जाऊ आणि आता अभी देखते कहाँ पे हॉल ले रहे। चल वाह, क्या ही कहे इस जगह के बारे में ना। बस आप देखो नजारे, कितने खूबसूरत नजारे हैं। बस यहाँ से ले है सिर्फ 53 किलोमीटर एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ द माउंटेन्स। ये साइड आपको बर्फ मिलेगा और ये साइड आपको डेजर्ट मिलेगा। इतना अलग नज़ारा आपको कहाँ मिल सकता है, सिर्फ ले के अंदर। लुक एट दिस ब्यूटी, आ मैन वाओ। और कोई इंसानों का शहर नहीं है, कोई कॉन्क्रीट जंगल नहीं है, कोई कॉन्क्रीट जंगल नहीं है। This side ice and this side desert. मज़ा आ गया। वैसे हम लोग आने के लिए रुके थे तो हम लोग ने एक सिर्फ राजमा चावल और मैंने मोमोज खाए। शुरुआत हो गई मेरे मोमोज की। I love momos. And look at this beauty. Height of the mountains. Wow. So, कैसा लग रहा है? हम लोग क्या करते हुए जा रहे हैं हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है। व्यू देख रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये रहे सब लोग निकल रहे हैं और कितने सारे फोटोज खींचे, सब इंस्टाग्राम पे आने वाले। तो अभी निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप मैग्नेटिक हिल, ऐसी उम्मीद है, लेट्स गो। सो फाइनली मैग्नेटिक हिल आ चुके हैं। एक्चुअली ले जाते हैं जब कारगिल के रोड से तो मैग्नेटिक हिल बीच में आता है। और आपको यहाँ पे पीछे पढ़ने को हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे बहुत बड़े से लिखा हुआ है। सो मैग्नेटिक हिल का कहते हैं कि यहाँ से अगर गाड़ी को न्यूट्रल पे छोड़ दो तो ऑटोमेटिक चलती है। अब क्या सीन है मुझे नहीं पता, और हमने ट्राई नहीं किया और मुझे पता नहीं, बट सब लोग खड़े होकर फोटो खींच रहे थे तो हमने भी खींच लिए। और एटीवी चल रहा है वहाँ पे, एटीवी चलना है तो आप कर सकते हो। मिनी को ट्राई करना है एटीवी चलाना? ना बाबा ना, हम एक पे ही खुश होंगे। हम हमारी बुलेट पे ही खुश है। एनीवेज हमारा बॉस को बेस्ट है। हाँ हमारा बॉस को एनीवेज बेस्ट है, बेस्टेस्ट बेस्ट है। हाँ। तो बस ऐसे ही चल रहे हैं और थोड़े बहुत फोटो खींचने की कोशिश करेंगे और लेट्स सी क्या कर रहे हैं। मैग्नेटिक हिल में हम लोग ब्लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे अमित भाई। अरे कशेश, नमस्कार साहब। नमस्कार मित्र, एकदम नमस्कार, एकदम तुमची प्रॉब्लेम काय झाली माईकची सांगा जरा। आमचं माईकचा प्रॉब्लेम हेच आहे की आम्ही जो माईक आणला त्याचा सेल आणि त्याचा कॉर्ड व्यवस्थित लागत नाही, त्यामुळे तो प्रॉब्लेम झालेला आहे। तुम्ही जर कधी येत असाल परत तर संपूर्ण व्यवस्थित तयारी नाही या। बाकी हे बघा ब्लॉगिंग सेटअप एकदम मस्त छोट्याचा ऑस्मो, ह्याच्यातून आता व्हॉइस ओव्हर द्यायला लागेल तुम्हाला। आता व्हॉइस ओव्हर द्यायला लागेल, व्हॉइस ओव्हर देंगे आपको। ट्राय करणार वो बाईक का, ट्राय करायचं बाईक नाही ना, सगळं मॅग्नेटच आहे, सामान भरपूर आहे, बाकी टेन्शन नाही आहे, सामान भरपूर, सगळं मॅग्नेटच आहे। लुक नजारा चांगला आहे। एटीव्हीचे 1000 रुपये सांगितले, भावानी विचारला जाऊन आपण एटीव्ही करू का, मी सांगितलं जाऊन विचार 1000 रुपये सांगणार, तेवढं सांगितलं, 1000च सांगितलेले म्हणजे ज्ञानी बुवा म्हणता येईल असं।
अरे ज्ञानी बुवाच आहे आम्ही. अरे बिझनेसमॅन आहे, गुजराती आहे, गुजराती कुठे कुठे काय प्राइस ठेवायचं आणि किती द्यायचं सगळं कळतंय. बरोबर, परफेक्ट. तेवढीच हजार जेवढी सांगेल तेवढीच हजारच आहे. आणि आपण एवढी बाईक चालवतो तर त्याच्यात एवढं आता काय चालणार काय एवढी. हा, टार बाईक बोलतो आपण, पण ठीक आहे. जर आपण गाडीमधून आले असते आणि केलं असतं तर वेगळं गोष्ट. फोर व्हीलर मधून आलो असतो आणि फोर व्हीलर आहे होते और करते तो अलग बात है, लेकिन अभी जब बाइक लेके इतना चल के आए, कमर की ऑलरेडी लगी पड़ी है. हाँ. उसमें इतना ऑफ रोडिंग नहीं चाहिए. अगर मुझे ऑफ रोडिंग करनी है तो मैं एकदम बीएमडब्ल्यू जीएस लेगा बराबर, और अपना पनवेल से लेके मीरा रोड, गोलबंदर और रोड पे चला लेगा. सही है भाई. बारिश हुआ है क्या, खड्डे मिलेंगे. और हेमांग तो अलग ही दुनिया में. हेमांग का पांच जन का मेन कैप्टन, कैप्टन हेमांग. हाँ. ये तो ये छोटा सैनिक रोड पे नहीं जा सकते. नहीं याद है. और आपका नाम? नवीन. नवीन, ये अभी हमें मिले केरला से? नहीं, कर्नाटक से. कर्नाटक से. देखो एक्सेंट से ही पता चल रहा है थोड़ा साउथ इंडियन एकदम मस्त. तो अभी बस हम लोग निकलेंगे यहाँ पे, कुछ ज्यादा है नहीं रुकने के लिए, है ना? इतना कुछ खास नहीं लग रहा. चलो, ये टूरिस्ट के लिए फंसाने के लिए ऐसा लगता है कि बना ले, बनाना भी पड़ता है ना. सही है, बनाना पड़ता भी तो है. टूरिज्म के लिए बनाया, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए. बट ठीक है, मैग्नेटिक हिल दिखने का पैसा नहीं है, एटीवी का पैसा है, वो सबसे बेस्ट है. ऐसे रुक के फोटो वोटो खींचने का पैसा नहीं है तब तक बेस्ट है, है ना? तो चलो निकलते. एक अच्छा लगा वहाँ पे, 4x4 का गाड़ी जा रहा है ऊपर, और वहाँ से व्यू के लिए अलाउड है, सो यू कैन गो इफ यू हैव 4x4 ओवर देयर. वहीं पे? हाँ. नहीं नहीं, मैग्नेटिक हिल तो यही है. अच्छा, वो ऐसे ही व्यू के लिए, लेकिन वो चढ़ाई जो है ना उसके लिए आपको 4x4 ही चाहिए, तो ही चढ़ेगा. तो बस अभी बाइक पे बैठते हैं और ले जाते हैं अपना रूम, यहाँ से कुछ 31 किलोमीटर का. सो बिल्ली गुरुद्वारा पत्थर साहब दर्शन कर लिया लेह में. अब इसके बारे में क्या बताया आपको, गूगल में पता चल जाएगा. बता के हम यहाँ पे कम नहीं कर सकते, और यहाँ पे फोटोग्राफी और वो करना मना है. क्या बोलते हैं, तो हम लोग ने गुरुद्वारा पत्थर साहब में दर्शन कर लिया है और यहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है, तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे. और इनके बारे में क्या बताएं, बता के गरिमा कम हो जाएगी, तो आप गूगल पे चेक कर लेना. बाकी सब बढ़िया है. अब यहाँ से सीधा रूम पे जाएंगे, मुझे फ़ोन आ रहा है. हर जगह पहाड़ी पहाड़ है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, स्ट्रेट ही स्ट्रेट, एकदम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है फाइनली. और ये 6:30 बज रहे हैं, और देख के लग रहा है आपको कि 6:30 बज रहे इस वक्त. वाओ, आई एम सो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, फाइनली आई एम एंटरिंग इन अ ले. जो मतलब घर से डेस्टिनेशन सोच के निकले, घूमना तो है अभी, बट एक ले पहुंचना है. ये जो डेस्टिनेशन था हमारा, आज वो हो रहा है. पूरी जर्नी हम लोग ने पूरी तरह से मजा की है, अच्छे से दिल खोल के घूमे हैं, नए दोस्त बनाए, नए लोगों से मिले, बहुत सारी बातें की, बहुत सारा अलग अलग खाना खाया, बहुत कुछ किया. जिंदगी का जो अलग अलग मकसद होता है वो हम लोग ने जिया है. मिलिट्री से बातें की, बॉर्डर देखी, गर्मी भी देखी राजस्थान की, तो लेह की ठंडी भी देखी, श्रीनगर का दल लेक देखा, तभी पैंगोंग लेक भी देखेंगे. कितना कुछ है, कितना कुछ है इस जर्नी की मेमोरीज में हमारे साथ. वाह, किन शब्दों में बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब. चलो रूम पे मिलता हूँ आपको. राइट में हमारे एयरफोर्स है, और उनका यहाँ पे प्लेन डिस्प्ले, हेलीकॉप्टर डिस्प्ले किया हुआ है जो वॉर में यूज हुआ था, और ये साइड पे फ्लाइट्स है. वाह, मस्त है, मस्त है, एकदम मस्त है. एयरफोर्स को देख के भी बहुत प्राउड फील होता है, और उन लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि उनको प्लेन वेन के लिए भी जगह चाहिए ना, तो बहुत बड़ी जगह रहती है उनकी. हाय, वैसे हम लोग ने जितनी अभी आर्मी की जगह देखी वो तो बहुत सारी थी. बहुत खूबसूरत लगता है अपने डिफेंस को देख के. चलो, हमारी होटल है अभी यहाँ से कुछ 7 किलोमीटर, और ले में एंटर करने वाले हम लोग कुछ 3 किलोमीटर के अंदर. Excited? Oh yeah. Excited? Oh yeah. How's the Josh? Hi sir. Okay. Very excited. Very excited. Happy to see cyclist on the road. Cyclist do very difficult job.
भाऊ रास्ता है रास्ता है। थाम थाम कितना किलोमीटर अभी सीधा